पेंटागन दे सब तो महत्वपूर्ण अड्डिया ते अजिहे अणपछाते ड्रोना दे रात दे समय दाखल होण नाल हड़बड़ाहट पैदा हो गई। ये ड्रोन वक वक अड्डिया दे उपर उड़ दे रहे जिस नाल हालात बेकाबू हो गए। इस मामले च पेंटागन हुण अपने महत्वपूर्ण युद्ध जहाजा दे हैंगरां नूं बचाउण लई जाल बिछा रही है तां जो उन्हां नूं ड्रोना तों बचाया जा सके। अमेरिकी मीडिया दी रिपोर्टां दसदियां ने कि देश भर च फौजी टिकाणियां ते व्यक्तिगत ड्रोना दे घुम्मण दीआं घटनावां तेजी नाल वध रहीआं ने। पिछले दसंबर च कई छोटे ड्रोना दे झुंड दो हफ्तिआं तक कुछ महत्वपूर्ण थावां ते उड़दे रहे जिस कारण फौजी बेसां तों लोकां नूं खाली करवाउणा पिआ ते इक जरूरी जांच शुरू कीती गई। ਇਹ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ US ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜੇਮਸ ਹੋਮਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਸਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। रूस ने भी अपने टैंकों नूं बचाउण लई कई तरह के रक्षा कवच लगाए ने पर अजे भी ड्रोना का खतरा बरकरार है। दुनिया भर दीआं फौजां ते सरकारां विच इस मुद्दे का हल लभण लई काम कीता जा रहा है। लैंगली एयर फोर्स बेस जिथे ताकतवर F-22 युद्धक जहाज ने उन्हां विचों एक थां सी जिथे ये ड्रोन वेखे गए। ये ड्रोन हर रात सूरज डुब्बण तों बाद 17 दिनां तक उड़दे रहे। पेंटागन दे मुखी सबरीना सिंह ने भी इस गल की पुष्टि की कि लैंगली ते ड्रोन दीआं घटनावां होईआं ने पर उन्हां विच कोई दुश्मनी भरपूर रवायत नहीं सी। इस दे बावजूद सुरक्षा लई F-22 जहाज़ां नूं हटा दिता गया सी। पेंटागन ने हुण लैंगली ते F-22 जहाज़ां लई ड्रोन जाल लगाउण लई निवेदन मंगे ने। यह जाल ड्रोना नूं रोकण लई बनाया गया है जो 10 किलोग्राम तक भार दे अते 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल उड़ सकते ने। पेंटागन दे सब तो महत्वपूर्ण अड्डिया ते अजिहे अणपछाते ड्रोना दे रात दे समय दाखल होण नाल हड़बड़ाहट पैदा हो गई। ये ड्रोन वक-वक अड्डिया दे उपर उड़ दे रहे जिस नाल हालात बेकाबू हो गए। इस मामले च पेंटागन हुण अपने महत्वपूर्ण युद्ध जहाजा दे हैंगरां नूं बचाउण लई जाल बिछा रही है तां जो उन्हां नूं ड्रोना तों बचाया जा सके। अमेरिकी मीडिया दीआं रिपोर्टां दसदियां ने कि देश भर च फौजी टिकाणियां ते व्यक्तिगत ड्रोना दे घुम्मण दीआं घटनावां तेजी नाल वध रहीआं ने। पिछले दसंबर च कई छोटे ड्रोना दे झुंड दो हफ्तिआं तक कुछ महत्वपूर्ण थावां ते उड़दे रहे जिस कारण फौजी बेसां तों लोकां नूं खाली करवाउणा पिआ ते इक जरूरी जांच शुरू कीती गई। ਇਹ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ US ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜੇਮਸ ਹੋਮਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਸਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। रूस ने भी अपने टैंकों नूं बचाउण लई कई तरह के रक्षा कवच लगाए ने पर अजे भी ड्रोना का खतरा बरकरार है। दुनिया भर दीआं फौजां ते सरकारां विच इस मुद्दे का हल लभण लई काम कीता जा रहा है। लैंगली एयर फोर्स बेस जिथे ताकतवर F-22 युद्धक जहाज ने उन्हां विचों एक थां सी जिथे ये ड्रोन वेखे गए। ये ड्रोन हर रात सूरज डुब्बण तों बाद 17 दिनां तक उड़दे रहे। पेंटागन दे मुखी सबरीना सिंह ने भी इस गल की पुष्टि की कि लैंगली ते ड्रोन दीआं घटनावां होईआं ने पर उन्हां विच कोई दुश्मनी भरपूर रवायत नहीं सी। इस दे बावजूद सुरक्षा लई F-22 जहाज़ां नूं हटा दिता गया सी। पेंटागन ने हुण लैंगली ते F-22 जहाज़ां लई ड्रोन जाल लगाउण लई निवेदन मंगे ने। इह जाल ड्रोना नूं रोकण लई बनाया गया है जो 10 किलोग्राम तक भार दे अते 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल उड़ सकते ने।